सलाम अलैकुम शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, आज इकबाल डे है और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इमरान खान ने आज अपना ये इकबाल डे हज़रत अल्लामा इकबाल की फैमिली के साथ मनाया और ये कामयाबी की तरफ जो मराहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय कर रही है ये उसी की निशानियां हैं। और शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा इनाम है कि हमें इमरान खान जैसी लीडरशिप मिली। अब तक के हालात और वाकयात जिस तरह से भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन हैं अपनी लीडरशिप से और अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से। दो तीन चीज़ें आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो चीफ जस्टिस साहब का फैसला आ गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना मानने वाली मैं ना मानू की रट लगाई हुई है। इनकी रवायात में ही ये चीज शामिल है कि गुनाह नहीं मानना, गलती बिल्कुल नहीं माननी। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि ये सरिये का कारोबार छोड़कर ये सियासत में आया है तो ये ऐसे नहीं आया। बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की करप्ट है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ओपन चैलेंज किया था पीएमएलएन की उन लोगों को जो फेसबुक के ऊपर बहुत आके चहकते हैं और सवाए तस्वीर और चेहरे बिगाड़ने के अलावा इनके पास कोई बात ऐसी है ही नहीं जिसको ये करके ये साबित कर सकें कि इनका लीडर ईमानदार है या नहीं है। बस एक ही रट है कि जी पीएमएलएन जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, और वो गधे घोड़े की तस्वीरें लगा कर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। और मियां नवाज शरीफ की अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ और इस किस्म की प्रोडक्शंस हैं तो 35 साल में जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि मियां साहब आप अकेले गुनाहगार नहीं हो, आपके साथ पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। क्योंकि तीसरी कुव्वत जिसने आगे कराची को तबाह बर्बाद किया, जिसने पाकिस्तान की ईंट के साथ ईंट बजाने की कसम खाई हुई है और जिसने इंडिया में खड़े होकर सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान को कहा, उसका नाम अल्ताफ हुसैन MQM है, उसको अगर आज इतनी ताकत मिली और 30 से 40 हजार असला बरदार लोग अगर कराची में बैठे हुए इस किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं जो कि आज सारा मेरा ख्याल तालिबान पे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM और ANP जो है ये तो मसल्ले पे बैठे हुए हैं, ये किसी जामिया मस्जिद में बैठे हुए हाथ में तस्बीहें लेकर ये लोग बैठे हुए हैं और ये अपने इन मामलात को चला रहे हैं, बाकी तो सब तालिबान कर रहे हैं। पिछले 30-35 साल में जो पाकिस्तान कराची के अंदर हुआ उसका क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता। कितने लोग मर गए, कितनी तबाहियां हो गई, कितने भत्ता, कितनी बोरीबंद लाशें और क्या क्या कुछ नहीं हुआ, ये सबका सब क्रेडिट जो है वो तालिबान को आप लोग दे रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। लॉ एंड ऑर्डर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अगर इक्तदार में आने के बाद मेंटेन किया होता तो पेशावर से लेकर कराची तक का जो असला मूव हो रहा है और क्वेटा से लेकर कराची तक जो असला मूव हो रहा है वो कभी भी मूव ना होता। आपने पुलिस के अंदर चोरों डाकुओं को अगर भर्ती ना किया होता तो आज पाकिस्तान की यह हालत ना होती। आज भी पेरोल के ऊपर बहुत बड़ी जो कहते हैं ना एक लंबी लिस्ट है जो कि पेरोल पे लोग जो मुजरिम हैं, आदि मुजरिम हैं, वो रहा हो चुके हैं। तो जनाब आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इसका जवाब आप किस तरह देंगे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। बाकी जहाँ तक रह गई बात पाकिस्तान के फ्यूचर की तो फ्यूचर तो पाकिस्तान का इमरान खान ही है, ये तो दो राय है ही नहीं है। अलबत्ता एक बहुत अजीब सा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की नून ने, पीपल पार्टी ने और मुख्तलिफ लोगों ने जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक साफ की सुनामी से परेशान है। वो हवा ये क्रिएट की जा रही है और सियासत को इस रुख पे लाने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी लोग तहरीक इंसाफ में आए और तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए। इसमें बहुत सारे बड़े नाम हैं, इसमें बरतानिया की राबिया ज़या भी हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर से भी एडमिरल साहब भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो तहरीक इंसाफ को आए, ज्वाइन किया और छोड़ के चले गए। और उन्होंने बुनियाद क्या रखी, कुछ ने बुनियाद ये रखी जी कि इमरान खान साहब अब वो नहीं रहे जो थे। इमरान तो आज भी वही है, इमरान की बातें भी आज भी वही हैं, इमरान का चलना
उड़ोना बछोना जब से वो तहरीके इंसाफ की बुनियाद बना और जब से उसने तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया, हमने आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं देखी। आपने क्या तब्दीली देखी वो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन जिंदगी का एक असूल है, सुनामी के कुछ असूल हैं, समंदर के पानी के कुछ असूल हैं, कि जब लहरें उठती हैं, जब सुनामी बढ़ती है, तो अगर कोई कतरा अगर उस सुनामी का हिस्सा रहे तो वो ताकतवर रहता है। लेकिन अगर कोई पानी का कतरा या चंद लोटे पानी के किनारे पर रह जाएं तो वो सूख जाते हैं, क्योंकि सुनामी और समंदर अपनी हैसियत कभी भी तब्दील नहीं करता। देखने वाली निगाह होनी चाहिए इस सुनामी या उस समंदर की ताकत क्या है। चंद लोटे अगर समंदर से निकाल लेने से अगर समंदर को कोई फर्क पड़ता है तो मुझे बता दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले ये मत अपने जहन में रखें कि उनके जाने से कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि दिन ब दिन अल्लाह ताला कुछ ऐसे हालात और कुछ ऐसे वसाइल पैदा कर रही है, कुछ हालात ऑटोमेटिकली इस तरीके और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि अंदाज़ा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ दिन ब दिन मजबूत हो रही है। बहुत नेगेटिव गुफ्तगू की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर तहरीक इंसाफ पर बिल्ड किया जा रहा है ड्यू टू नो रीज़न। ना वो इक्तदार में है, ना वो प्रोविजनल असम्बली में है, ना वो किसी और खाते में है, वो बाहर बैठे हुए अपना एक वीएन दे रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए अपनी पॉलिसीज दे रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में अपनी कामयाबी और उस कामयाबी के बाद पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की गारंटी दे रहे हैं, जमानत दे रहे हैं। और यही एक खूबसूरती है इस पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इमरान का माजी क्या, उसको आप डिस्कस करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान ने अपने माजी से हाल में कैसे अपने आप को तब्दील किया, ये काबिल और चीज़ है। जो इंसान अपने आप को बदल सकता है, जो इंसान ज़िंदगी की कामयाबियां, खुशियां, आसाइशें और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में छोड़कर कंटेनर पर एक कंबल के साथ रात सोना अगर इस कौम के लिए कबूल किया है तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और ऐसा ही लीडर हमें ज़रूरत है। वो लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो मुखालफत नहीं कर रहे, वो अपने आने वाले कल को ख़तरे में डाल रहे हैं। वो लोग जो मुखालफत कर रहे हैं वो मुखालफत नहीं कर रहे, शायद उनको अंदाज़ा नहीं कि कल को अगर इस दुनिया में वो ना रहे तो उनके बच्चों का फ्यूचर क्या है। उन बहु बच्चियों को, उन बेटियों को, उन माओं को शायद एहसास नहीं होगा जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं कि आने वाले कल में अगर वो ना रहीं तो उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान इखलाकी तौर पर पसमानदा और तबाह बर्बाद हो चुका है और इसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने डाली। नवाज शरीफ, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नवाज शरीफ, फिर पीपल्स पार्टी, और इन दोनों ने तीसरी ताकत एमक्यूएम को खड़ा किया और एमक्यूएम आज उसने कराची की ईंट से ईंट बजा दी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जुर्रत ही नहीं है कि उन लोगों को वो इक्तदार में रह के कॉर्नर करते। लेकिन मैं इस बात की जमानत देता हूं, गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह ताला अजीज जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया और लॉ एंड ऑर्डर का इंप्लीमेंट हो गया, उस दिन ये तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं ये आपको पाकिस्तान में इंशाल्लाह चूहों की तरह अपने बिलों में घुसते हुए नजर आएंगे और ये उन्हीं बिलों के अंदर मर जाएंगे, सड़ गल जाएंगे। लेकिन इनके वजूद इमरान खान अपनी पाक सरजमीन पर दोबारा आने नहीं देगा। फॉर गॉड सेक पाकिस्तान को बचाएं, फॉर गॉड सेक पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाएं, वरना अल्लाह ने जजा और सजा का जो अमल रख दिया है उसका हिस्सा हम लोग बन जाएंगे, हम लोग ही वजह बनेंगे पाकिस्तान की तबाही की। और आज अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, इस मौके को पकड़ लें, थाम लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ये मेरा ईमान है, क्योंकि मैं खुद बच्चों वाला हूँ, मेरे अपने माँ बाप हैं, अल्लाह उनका साया सलामत रखे। लेकिन पल दो पल के लिए सोचिएगा ज़रूर कि अगर माँ बाप की औलाद ना रहे तो माँ बाप के साथ क्या होता है, और अगर माँ बाप चले जाएँ और औलाद रह जाए तो क्या होता है। अपनी जन्नत को ज़ाया होने से बचाएं, अपनी जन्नत को तबाह होने से बचाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 35 साल से मियां नवाज शरीफ और पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और एमकेएम, इन लोगों ने पाकिस्तान को नोच के खाया है।
इन लोगों ने सियासत की ही इसीलिए कि पाकिस्तान के गरीब की जेबें काटें। ये चोर उचक्के डाकू दो नंबर की क़यादत सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए है कि हम लोगों ने कभी इनका रास्ता नहीं रोका। हम डर रहे, हम खौफजदा रहे कि अल्ताफ हुसैन मार देगा, नवाज शरीफ के बदमाश मार देंगे, पीपल्स पार्टी के गुंडे मार देंगे। और आज हम अपने बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ बताने से डरते हैं और घबराते हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चा घर से बाहर ना निकले, वो ज़िंदगी ना देखे जो उसका हक है। खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाएं और तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह आपका हामी और नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।